जिनसे रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का जनवरी वादा देख रहे हैं 3379 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 3413 का ही लगा चुका है, आधे फीसदी से ज्यादा की करेक्शन है। रूपा जी देख रहे हैं कि कल को हमने बिनौला खल में करेक्शन बनती भी देखी थी, लेकिन 3300 के ऊपर तब भी सस्टेन था, आज भी देख रहे हैं कि हल्की सी करेक्शन है और आज भी 3300 के ऊपर सस्टेन है। हालांकि आपने जो टारगेट दिया था 3413 का, उसका हाई भी लगा चुका है, आपका 3400 का टारगेट भी पूरा हो चुका है। अब आपको यहाँ से क्या लगता है, क्या आने वाले कारोबारी सप्ताह में बिनौला खल में कुछ करेक्शन बनेगी या फिर 3400 के भी ऊपर जाएगा? देखिए आगे चलकर बिनौला खल में करेक्शन जो है अभी यहाँ से बहुत कम लग रही है अखिलेश, छोट मोट गिरावट देखिए आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन ट्रेंड स्टिल पॉजिटिव है। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी है, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन बना रह सकता है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। अब यहाँ से 3400 के बाद आप मान के चलिए 3600 से लेकर 4000 तक का स्तर आगे दिखाई देता है कि फरवरी वायदा छू सकता है। जनवरी वायदा की बात करें तो मुझे लगता है यहाँ से 3500 से 3600 की रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए तो हल्की करेक्शन जो कि नीचे में हो सकता है, आपको 100 से 150 पॉइंट की करेक्शन आ जाए, लेकिन वहां से वापस से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है और बाजारों में तेजी बनी रह सकती है। और मुझे लगता है हो सकता है करेक्शन ना भी देखने को मिले, वॉल्यूम्स बाइंग की तरफ ही बढ़ते हुए हमें दिखाई दे, लेकिन अभी ट्रेंड तो काफी पॉजिटिव है और मुझे लगता है अब यहाँ से 3400 का जो स्तर छू चुका है, इसके ऊपर की सस्टेनेबिलिटी के बाद बिनौला खल आगे चलकर आपको 3800 से 4000 के टारगेट आगे फरवरी वायदा तक देखने को मिल सकते हैं। जी फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई, अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।